गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम अगेन टू दिस लेक्चर ऑफ टूल इंजीनियरिंग। द वेरी फर्स्ट यूनिट दैट इज थियरी ऑफ मेटल कटिंग एंड व्हाट वी हैव सीन अप टिल नाउ इन दिस यूनिट थियरी ऑफ मेटल कटिंग इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, देन व्हाट आर द मेटल रिमिंग प्रोसेस दैट इज व्हाट इज चिप फॉर्मेशन प्रोसेस। वी हैव सीन द ज्योमेट्री ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। वी हैव सीन the orthogonal cutting, the oblong cutting, the oblique cutting. Then we have seen the tool signature. Again we have seen the resolution of forces on a single point cutting tool. मतलब single point cutting tool पर क्या forces act होते हैं वो हमने देखा है। geometry देखी है single point cutting tool की। orthogonal और oblique cutting मतलब क्या होता है वो देखा है। chip formation मतलब क्या होता है वो भी हमने देखा है। उसके बाद में tool signature मतलब tool को आप कैसे define करते हैं ये भी हमने देखा हुआ है। और उसके बाद में टूल लाइफ, हाउ डू यू कैलकुलेट द टूल लाइफ बाय अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, वो भी हमने देखा है। द थ्री डिफरेंट मेथड्स बाय विच यू कैन प्रेडिक्ट द टूल लाइफ, दिस इज ऑल व्हाट वी हैव सीन अप टिल नाउ। तो जब हमने टूल लाइफ देखा था तब हमने एक बार डिस्कस की थी कि टूल की जो लाइफ है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इधर द मेन फैक्टर दैट विच द लाइफ ऑफ द टूल इज द मटेरियल ऑफ द कटिंग टूल एंड देर आर सर्टन प्रॉपर्टीज दैट द पर्टिकुलर मटेरियल ऑफ द टूल शुड हैव, कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो टूल मटेरियल में होना ही चाहिए। So we'll discuss about the characteristics of the cutting tool material today. Ability to retain its hardness at elevated temperatures called hot hardness. Hot hardness. मतलब higher temperature, जब हमको पता है कि tool और material के बीच में जब friction होगा during the metal removal process, so at that particular point of time the temperatures will be very high. Temperatures जो रहेंगे वो बहुत ज़्यादा rise होंगे। तो ऐसे time पे फिर जो उसकी ability है ताकि उसका वो हार्डनेस बरकरार रखे, दैट मीन्स द टूल का जो हार्डनेस है, बिकॉज इफ द टूल लूजेस इट्स हार्डनेस इट विल अफेक्ट इट्स कटिंग एबिलिटी। क्योंकि टूल हार्ड रहेगा तभी वो वर्कपीस मटेरियल को कट करेगा। तो अगर टूल का हार्डनेस खत्म हो गया तो दैट मीन्स कि टूल का जो लाइफ है वो कम होगा, उससे कटिंग नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो हॉट हार्डनेस इज दैट प्रॉपर्टी बाय विच इट रिटेन्स इट हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको बोला जाए कि टूल की एक कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बताया जाए, या दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो दैट इज हॉट हार्डनेस। एबिलिटी टू रेजिस्ट शॉक दैट इज कॉल्ड एज टफनेस। सडनली क्या होता है, वर्क होती होती है, अगर सडनली आपने सब बहुत बड़ा फीड दे दिया, डेप्थ ऑफ कट ज्यादा हो गया, या सडनली बहुत फोर्स आ गया, या कुछ शॉक एकदम से जैसे वाइब्रेशन से और कुछ आ गए बहुत, तो उसको जो बियर करेंगी टूल वो कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टफनेस। तो टूल टफ भी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हॉट हार्डनेस है, उसके बाद में टूल टफ भी होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस टू वियर, वियर तो हमको सबको पता है कि उसका वियर नहीं होना चाहिए ताकि इंश्योर लॉन्गर लाइफ। वियर, वी ऑलरेडी नो व्हाट यू मीन बाय वियरिंग। तो वियर मतलब वो खराब होना सरफेस कंडीशन से, इससे उससे बाकी चीज़ों से, तो उसका वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम क्या होगा, टूल के और मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो रहा, कंटिन्यूस फ्रिक्शन हो रहा। तो अगर उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगा तो वो जो फ्रिक्शन रहेगा उसकी वजह से वो कम होगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फिर उसके जो हीट इवॉल्व होगी वो कम होगी। समझ में आ रहा है, इट इज़ वेरी सिंपल कि इफ द फ्रिक्शन इज लार्जर देन द हायर हीट विल बी इवॉल्व, द टेम्परेचर्स विल बी हायर, सो इट शुड हैव लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टूल मटेरियल फ्रिक्शन तो बोलते ऑब्वियसली देर विल बी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, यू कैन नॉट अवॉइड इट, बट द मटेरियल हैविंग लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट विल हैव अ लॉन्गर टूल लाइफ। इट शुड बी चीप, सो इट इज़ बट ऑब्वियसली दैट इट शुड बी चीप, मतलब जो टूल है वो सस्ता होना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से अफोर्ड कर सके। लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द चीप टूल इंटरफेस सो दैट द सर्फेस फिनिश इज गुड एंड वियर इज मिनिमम, ताकि वियर कम हो और सर्फेस फिनिश अच्छी हो। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई रहा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, वो और ज़्यादा फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ पर होगा तो उससे क्या होगा कि सर्फेस फिनिश पर फर्क पड़ेगा, वियर एंड टीयर पर, टूल लाइफ पर फर्क पड़ेगा, सारी चीज़ें आएंगी। और वो सस्ता होना चाहिए एंड इट शुड बी एबल टू बी फैब्रिकेटेड एंड शेप्ड इजीली, बिकॉज फाइनली वी नो दैट टूल इज ऑल्सो अ मेटल। हमने टूल भी कैसे बनाया, एक पर्टिकुलर मेटल से ही हमने टूल बनाया, वी आर यूजिंग अ पर्टिकुलर मटेरियल टू मेक टूल। तो जिससे हमने टूल बनाया वो मटेरियल कैसे होना चाहिए, उसको आप आराम से फैब्रिकेट कर सके और उसको शेप दे सके इजीली। इट शुड बी एबल टू बी फैब्रिकेटेड एंड शेप्ड इजीली, वो आराम से आप उसको शेप दे सके या फैब्रिकेट कर सके। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कटिंग टूल। एबिलिटी टू रिटेन इट्स हार्डनेस at elevated temperatures which is called hot hardness, then ability to resist shock that is called toughness, then high resistance to wear to ensure longer tool life, low coefficient of friction at the chip tool interface so that the surface finish is good and wear is minimum,
It should be cheap and it should be able to be fabricated and shaped easily. ये टूल की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, ये टूल में बेसिकली होना ही चाहिए, दिस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड. सो व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ कटिंग फ्लूइड? तो यहाँ लिखा हुआ है, कटिंग फ्लूइड्स आर एम्प्लॉयड इन लिक्विड फॉर्म बट ओकेजनली ऑल्सो एम्प्लॉयड इन गैसियस फॉर्म ओनली फॉर लुब्रिकेटिंग पर्पस. सो कटिंग फ्लूइड कैन बी इन लिक्विड फॉर्म, दे कैन बी इन गैसियस फॉर्म ऑल्सो. लिक्विड फॉर्म में भी रहेंगे और गैसियस फॉर्म में भी वो रहेंगे. व्हाई दे आर यूज्ड? दे आर यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग पर्पस. किस पर्पस के लिए? लुब्रिकेटिंग पर्पस के लिए. अलॉन्ग विद इट दे आर ऑल्सो यूज फॉर अदर पर्पस, जैसे उसको कूलिंग के लिए यूज करते, जो चिप्स होती वॉश अवे करने के लिए यूज करते. दीज आर द यूजेस ऑफ द कटिंग फ्लूइड. अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स कटिंग फ्लूइड के लिए, एयर ब्लास्ट और कॉम्प्रेस्ड एयर. आपने शायद ये देखा भी होगा, जब हमारे लेथ मशीन पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो जो मशीन का जो बेड था, ऑपरेशन के बाद में चिप्स वहां पर रहेगी, तो उसको साफ करते एयर ब्लास्ट से, मतलब ऐसे फुल फ्रेश में फुल फोर्स से एयर, दो साइड इज एयर ब्लास्ट और कॉम्प्रेस्ड एयर. मतलब कॉम्प्रेस्ड एयर एक छोटे से, जैसे हम कैसे पानी कैसे एक आपने नोजल से देखा होगा, जैसे पानी से क्लीन करते वैसे एयर से भी क्लीन करते. सो दैट इज अ काइंड ऑफ कटिंग फ्लूइड दैट इज इन गैसियस फॉर्म बट दे कॉल इट एज अ फ्लूइड, एयर ब्लास्ट और कॉम्प्रेस्ड एयर. एंड सॉलिड और सेमी सॉलिड, सॉलिड के एग्जाम्पल्स लिव इट. सेमी सॉलिड तो हमको पता है, जैसे हमने देखा था कि जब वो बॉल बेरिंग्स के टाइम पे वो यूज करते लुब्रिकेंट, तो वैसे यहाँ पे एक ग्रीस या फिर वेरी हार्ड ग्रीस एंड सच थिंग्स, तो वो सेमी सॉलिड हो गए, वो लिक्विड नहीं है, नॉन सॉलिड है, सेमी सॉलिड. उसके बाद में फिर वाटर, देन सोल्यूबल ऑयल्स, केमिकल ऑयल्स, कटिंग ऑयल्स, क्रायोजेनिक फ्लूइड्स. तो वाटर तो मतलब हमको सबको पता है, वाटर मीन्स पानी, तो हम लोग पानी यूज करते कटिंग के लिए, सो दैट विल हेल्प. उसके बाद में सोल्यूबल ऑयल्स, सोल्यूबल ऑयल्स मतलब जो ऑयल्स रहते सिंपल, जो हमारे ऑयल्स जैसे हमने गाड़ियों में देखी जो ऑयल्स डालते कैस्ट्रॉल ऑयल, ये ऑयल, तो ये ऑयल. और केमिकल फ्लूइड्स, तो सोल्यूबल ऑयल्स, केमिकल फ्लूइड्स एंड कटिंग ऑयल्स, दे आर वन एंड द सेम थिंग. जैसे इसको कटिंग के लिए यूज़ किया तो कटिंग ऑयल, वाटर सोल्यूबल रह सकते हैं या और कुछ रह सकते हो, सोल्यूबल ऑयल है. फिर केमिकल फ्लूइड्स है, दैट इज ऑल्सो अगेन अ काइंड ऑफ, मतलब ये सब लिक्विड मटेरियल है. तो जैसे इट इज़ वाटर सोल्यूबल, कुछ ऐसा रहता है कि उसको पानी में मिक्स करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे बेसिकली देखो कि हमारा खोपरे का जो नारियल तेल हम यूज़ करते वो भी एक तरह का कटिंग फ्लूइड है. आपने देखा होगा कहीं पे अगर जंग लग गया, ताला खराब हो गया, तो हम नारियल तेल की ड्रॉप ड्रॉप उसमें डालते हैं. ऐसे अगर आप कुछ कट कर रहे हो, पर्टिकुलर अगर सॉस है तो वो नहीं कट रहा, तो आप नारियल तेल डालोगे तो उससे थोड़ा सा कटिंग का जो फ्रिक्शन है वो कम होगा. तो ये चीज़ें हैं. सो दे आर ऑल ऑयल्स, तो सोल्यूबल ऑयल, कटिंग ऑयल, केमिकल फ्लूइड्स. अब क्रायोजेनिक कटिंग फ्लूइड, क्रायोजेनिक मतलब क्या होता है? क्रायोजेनिक इट इज अ टर्म रिलेटेड विद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. क्रायोजेनिक मतलब बहुत कुछ जो ऐसा ठंडा होता है, जो बहुत ठंडा करता है. तो क्रायोजेनिक जो कटिंग फ्लूइड्स होगी उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये होगी कि दे विल कैरी अ लॉट ऑफ हीट विद देम, वो बहुत ज़्यादा कूल करेंगे, बहुत जल्दी कूल करेंगे. अब उसके बाद में देखते हैं कटिंग फ्लूइड्स क्यों होते हैं. कटिंग फ्लूइड्स आर यूज्ड इन मशीनिंग वर्क फॉर हेल्पिंग द इफिशियंट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेशन. ओके, दैट वी अंडरस्टैंड, फॉर द इफिशियंट परफॉर्मेंस. दे आर यूज्ड इन इधर लिक्विड और इन गैसियस फॉर्म. ओके, दैट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड. एंड दे असिस्ट इन द ऑपरेशन इन मैनी वेज, मतलब मशीनिंग का ताकि इफिशियंट परफॉर्मेंस हो, गैसेज और लिक्विड फॉर्म में यूज होते. और क्या करते हैं एक्चुअल में, तो लेट अस सी दैट. दे असिस्ट इन द ऑपरेशन इन मैनी वेज, सच एज बाय कूलिंग द टूल, टूल को कूल करना, वर्क को कूल करना, फ्रिक्शन रिड्यूस करना, सरफेस फिनिश इंप्रूव करना, चिप्स को ब्रेक करना और उसको वॉश करना. मतलब कटिंग फ्लूइड के देखो कितने सारे पर्पस है, लुब्रिकेशन का पर्पस है, कूलिंग का पर्पस है, उसके बाद में कटिंग चिप्स ये फंक्शन है, और वॉशिंग अवे द चिप्स ये उसका पर्पस है, टेम्परेचर काम करना, और उसके बाद में सरफेस फिनिश इंप्रूव करना. सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द कटिंग फ्लूइड्स. दे असिस्ट इन ऑपरेशन इन मैनी वेज, सच एज बाय कूलिंग द टूल एंड वर्क, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, इंप्रूविंग द सर्फेस फिनिश एंड हेल्पिंग इन ब्रेकिंग ऑफ चिप्स एंड वॉशिंग देम अवे एटसेट्रा. दिस फैक्टर्स हेल्प इन इंप्रूविंग टूल लाइफ, परमिटिंग हायर मेटल रिमूवल रेट एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्फेस फिनिश. सो बिकॉज ऑफ दिस योर टूल लाइफ इज इम्प्रूव्ड. इफ योर टूल लाइफ इज इम्प्रूव्ड यू गेट देन अगेन हायर मेटल रिमूवल रेट. हायर मेटल रिमूवल रेट मतलब आपका टूल की अगर क्वालिटी मेंटेन होती है, वहां पर फ्रिक्शन कम होता है, टूल का अगर एजेस सही रहता है, टूल मटेरियल डिस्टॉर्ट नहीं होता, टूल की एजेस डिस्टॉर्ट नहीं होती, तो वहां पर क्या होगा, आपको मेटल रिमूवल रेट ज्यादा मिलेगा. जैसे हमने देखा था कि कटिंग स्पीड, फिट, डेप्थ ऑफ कट, दे ऑल्सो अफेक्ट द मेटल रिमूवल रेट. तो उसी तरह से अगर यहां पर आप प्रॉपर कटिंग फ्लूइड यूज करते हो तो उससे भी आपको मेटल रिमूवल रेट ज्यादा मिलेगा, मतलब द ऑपरेशन विल बी इफिशियंट. ऊपर ही हमने लिखा इफिशियंट मतलब उसकी एफिशियंसी ज्यादा रहेगी.
एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश। तो मतलब टूल लाइफ ज़्यादा मिलेगा, हायर मेटल रिमूवल रेट मिलेगा और सरफेस फिनिश भी एक प्रॉपर क्वालिटी हमको सरफेस फिनिश की मिलेंगी। सो दिज आर ऑल द पर्पज ऑफ कटिंग फ्लूड। क्या क्या काम करते हो? दे असिस्ट इन कूलिंग द टूल एंड वर्क, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इंप्रूविंग सरफेस फिनिश, ब्रेकिंग ऑफ चिप्स एंड वॉशिंग देम अवे, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन इंप्रूविंग टूल लाइफ, हायर मेटल रिमूवल रेट एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी मतलब वो प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ पर्टिकुलर मटेरियल कैन बी मशीन, कि जिसके वजह से आप एक पर्टिकुलर मटेरियल को मशीन कर सकते हैं। मतलब कोई अगर मटेरियल है उस पर आपको कुछ आपको ऑपरेशंस कैरी आउट करने हैं सपोज, तो जो ऑपरेशंस आपको उसके ऊपर कैरी आउट करने से टर्निंग है, फिनिशिंग है, ड्रिलिंग है, बोरिंग है, तो कितने आसानी से उसको आप मशीन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल्स गिव्स द आइडिया ऑफ द ईज विथ विच इट कैन बी मशीन। मतलब कितने आसानी से आप उसको मशीन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज मशीनेबिलिटी। दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मशीनेबिलिटी, द ईज विथ विच अ पर्टिकुलर मटेरियल कैन बी मशीन, दैट इज कॉल्ड एज मशीनेबिलिटी। द पैरामीटर्स जनरली इन्फ्लुएंसिंग द मशीनेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन, माइक्रोस्ट्रक्चर एंड कटिंग कंडीशंस। फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब वियर टीयर हो गया उसका, है ना, उसका फिर बाद में हीट रेजिस्टेंस हो गया, हॉट हार्डनेस हो गया, उसके बाद में उसका स्ट्रेंथ हो गया, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, तो ये जो प्रॉपर्टीज हो गई, और फिर उसके बाद में जैसे अभी हमने देखा उसका हॉट हार्डनेस हो गया, हीट रेजिस्टेंस हो गया, टफनेस हो गया, तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल मतलब उसका कंपोजिशन, कि जैसे उसका कंपोजिशन मतलब वो मटेरियल का क्या कंटेंट है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड है। और माइक्रोस्ट्रक्चर, माइक्रोस्ट्रक्चर मीन्स द बाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल। जैसे आपको माइक्रोस्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो आपने फिजिक्स में माइक्रोस्ट्रक्चर, फिजिक्स में आपने मेटलर्जी में माइक्रोस्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। जैसे उसमें जो होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, तो जो पोजिशन है कि किस हिसाब से बाइंड किया, दैट इज माइक्रोस्ट्रक्चर। एंड कटिंग कंडीशंस, कि आपके वो कटिंग की कंडीशंस कैसी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हम बोलते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, तो वो उसकी प्रॉपर्टी। हार्डनेस, तो वो अगर ज़्यादा रही, सपोज हार्डनेस ज़्यादा रहेंगी तो देन व्हाट विल हैपन, जो टूल मटेरियल रहेगा वो ज़्यादा लॉन्गर चलेगा, वो कटिंग उसका अच्छे से करेगा, टूल मटेरियल ज़्यादा चलेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे उसको अगर हॉट हार्डनेस, अगर टेम्परेचर एलिवेटेड टेम्परेचर पर सपोज अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो रहे और वो पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर्स पे उसका हॉट हार्डनेस ज़्यादा रहा, तो इसका मतलब वो जल्दी डिस्टॉर्ट नहीं होगा, वो डिटोरेट नहीं होगा, द क्वालिटी ऑफ टूल विल नॉट बी डिस्टर्ब, वो खराब नहीं होगी। तो वैसा नहीं होगा तो मतलब आपको टूल लाइफ क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। सेम अप्लाइज फॉर द वर्क पीस ऑल्सो, की मशीनेबिलिटी अगर सपोज उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी रहेंगी कि उसमें मशीने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऐसी है कि जैसे सॉफ्ट मटेरियल तो उसको जल्दी हम लोग मशीन कर सकते, जैसे उसका हार्डनेस कम है तो उसको आप जल्दी मशीन कम कर सकते, इट अप्लाइज फॉर बोथ द थिंग। टूल की जो प्रॉपर्टीज है वो ऐसी होना चाहिए कि उसका हार्डनेस ज़्यादा हो, उसका टफनेस ज़्यादा हो, और वर्क पीस की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सॉफ्ट हो, बिकॉज यू हैव टू मशीन इट। देन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल, कि जैसे आपको ये पता है कि जितना ज़्यादा कार्बन आप किसी मटेरियल में ऐड करते हो तो उसका हार्डनेस उतना बढ़ता चला जाएगा, तो जितना अगर हार्ड मटेरियल रहेगा उतना आपके लिए डिफिकल्ट जाएगा उसको कट करना। तो कार्बन कंटेंट, तो दैट इज द पार्ट केमिकल कंपोजिशन, तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या केमिकल मिक्स है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द मशीनेबिलिटी। उसके बेसिस पे भी वो कितना इजीली मशीन करा जाता नहीं डिपेंड करेगा। माइक्रोस्ट्रक्चर है तो हमने देखा जो एकदम जो जैसे जो मेटल्स जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स है उनके बीच का बाइंडिंग कैसा है, ग्रेन्स कैसे, कोर्स ग्रेन्स है, फाइन ग्रेन्स है, एंड सो मेनी थिंग्स, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द मशीनेबिलिटी। देन कटिंग कंडीशंस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कटिंग कंडीशंस, तो कटिंग कंडीशंस में सभी आ गया कि फीड कितना दे रहे हो, डेप्थ ऑफ कट कितना दे रहे हो, आपका कटिंग स्पीड कितना है, उसके बाद में आपकी टूल की क्या क्वालिटी है, आप कटिंग फ्लूइड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका मशीनेबिलिटी बॉडी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ द स्टैंडर्ड कंडीशंस, दैट मीन्स द प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक फीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, उसके बाद में आप कटिंग टूल फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपको क्या होगा, फिर आपको मशीनेबिलिटी इंप्रूव होगी वहाँ पर, मतलब वो आपका जो वर्क है पीस है दैट विल बी मोर मशीनेबल। लेकिन अगर कटिंग कंडीशंस ऐसी है कि आपका टूल उतना हार्ड नहीं है, कटिंग फ्लूइड प्रॉपरली नहीं आ रहा, तो मशीनेबिलिटी विल सफर। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑन विच द मशीनेबिलिटी डिपेंड्स। कौन से फैक्टर्स थे? द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मेटल, माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द मेटल एंड कटिंग कंडीशंस। मेटल और मटेरियल वन एंड द सेम थिंग। द फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन, माइक्रोस्ट्रक्चर एंड कटिंग कंडीशंस।
तो ये प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर उसकी मशीनेबिलिटी डिपेंड करती। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे मशीनेबिलिटी जो, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेरिएबल फैक्टर्स जैसे टूल लाइफ। अगर सपोज टूल लाइफ ज़्यादा है तो इट गिव्स कटिंग स्पीड द बेटर मशीनेबिलिटी। द लॉन्गर द टूल लाइफ इट इनेबल्स एट अ गिवन कटिंग स्पीड द बेटर इज द मशीनेबिलिटी। अब आप ये बोलोगे कि सर टूल का और इसका मशीनेबिलिटी है कैसे संबंध आ रहा है, कि जैसे सपोज अगर आपका टूल अच्छा है तो आप एक ऑप्टिमम कटिंग स्पीड दे रहे हो, तो अगर आप ऑप्टिमम कटिंग स्पीड दे रहे हो तो द पर्टिकुलर मटेरियल इट विल बी इजिली मशीन। कि ऑप्टिमम मतलब ऐसी स्पीड है कि जिसपे मशीनिंग आराम से और अच्छी तरह से हो सकता। तो अगर टूल आपका अच्छा है तो उसका मतलब आप कटिंग स्पीड प्रॉपरली देते हो, तो वहाँ पर भी आपको मशीनेबिलिटी इंक्रीज होगी। सरफेस फिनिश, अगर जितना आपको सरफेस फिनिश अच्छा रहेगा उतनी हायर रहती मशीनेबिलिटी। जब उस कोई अगर रफ सरफेस रहा, जनरली जो मटेरियल्स के सरफेस फिनिश अच्छी रहती दे आर इजीली मशीनेबल, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मशीनेबिलिटी। पावर कंजम्पशन, इट इज़ बट ऑब्वियसली कि जहाँ पे अगर हाई पावर कंजम्प हो रहा तो इसका मतलब वो क्या इंडिकेट करता है कि वो मशीनेबिलिटी उसकी इतनी ठीक नहीं है। कि सपोज आपको कुछ तो भी एक बहुत मटेरियल कट करने के लिए ज़्यादा पावर लगता है, द पावर यू विल बी रिक्वायरिंग अस मोर पावर, ज़्यादा फोर्स लग रहा, और किसी भी कारण की वजह से सपोज आपको वहाँ पर जो पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा, तो इसका मतलब वो तो अच्छा नहीं है, क्योंकि पावर कंजम्पशन तो लेस होना चाहिए बिकॉज वी हैव टू सेव द पावर। तो दैट मीन्स वो जो पर्टिकुलर है कि अगर पावर कंजम्पशन लेस है तो उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी है। लेकिन अगर आपने बोले कि नहीं, जैसे सपोज कि आपने एक आधा मटेरियल लेते हैं उसको कट करने को बहुत वक्त लगता, आपको बहुत पावर देना पड़ता है, कंटिन्यू मशीन चलते रहती, तो आप बोलते नहीं है सर बहुत टफ मटेरियल है, इसका मशीनिंग मुश्किल है। वो क्या कहता है, सॉफ्ट मटेरियल आप इजीली उसको कट कर सकते हैं। देन कटिंग फोर्सेस, अब उसके बाद में देखो द लेसर द अमाउंट ऑफ कटिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ अ मेटल द हायर विल बी मशीनेबिलिटी। जितना कम आपको सपोज ये लग रहा है कटिंग फोर्स रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आपका जैसे देखो आपको प्लास्टिक को कट करना है तो आप प्लास्टिक बहुत इजीली कट हो जाएगा, अगर आपको हार्ड मेटल को कट करना है डायमंड को, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, तो उसको आपको उससे भी हार्ड मेटल से उसको शेप्स देने पड़ेंगे। सिंपल है कि देखो अगर अपने चॉकलेट को काटना है चाकू से, केक को काटना है चाकू से, और अपने को पत्थर को काटना है चाकू से, तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि जितना जो आपको कटिंग फोर्स कम लगेगा, द कटिंग लेसर द अमाउंट ऑफ कटिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ मेटल, रिमूवल ऑफ अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ मेटल। एक मटेरियल में से कुछ अपने को वॉल्यूम, एक मेटल है सपोज उसमें से कुछ वॉल्यूम रिमूव करना है, तो जितना कम कटिंग फोर्स लगेगा उतने उसकी मशीनेबिलिटी बढ़िया है, या फिर जितना मैक्सिमम वैल्यू द हायर द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मेटल रिमूव अंडर स्टैंडर्ड कटिंग फोर्सेस। तो जो ऑप्टिमम जो स्टैंडर्ड कंडीशन दिए उसके अंदर अगर ज़्यादा, अगर हायर वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव हो रहा है, सो दैट मीन्स अगेन द मशीनेबिलिटी इज गुड। अगर कम कटिंग फोर्स लग रहा है और प्रॉपरली वर्क हो रहा ऑप्टिमम स्पीड्स पे, तो उसका मतलब मशीनेबिलिटी अच्छी है। और अगर सपोज आपकी जो ऑप्टिमम कंडीशन है उसके ऊपर आपका मटेरियल रिमूवल ज़्यादा हो रहा, तो इसका मतलब भी कैसे मशीनेबिलिटी अच्छी है। शेयर एंगल, शेयर एंगल मैंने आपको बताया था कि वेन एवर देर इज अ बिग फ्रिक्शन बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। एंड वाई दिस चिप्स आर फॉर्म्ड, बिकॉज देयर विल बी अ शेयरिंग एक्शन बिटवीन देम, अ शेयर जोन विल बी डेवलप्ड एंड फ्रॉम दिस शेयर जोन द चिप्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग। तो हो गए शेयर एंगल, रेट ऑफ मेटल रिमूवल अंडर स्टैंडर्ड कटिंग कंडीशन। तो अब ऐसा है कि स्टैंडर्ड कटिंग कंडीशन में आप कितना मेटल रिमूव करते हो, सो दिस आर ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स, दैट इज विच द मशीनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स लाइक टूल लाइफ, सर्फेस फिनिश, पावर कंजम्पशन, कटिंग फोर्सेज, शेयर एंगल एंड रेट ऑफ मेटल रिमूवल। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस मशीनेबिलिटी डिपेंड्स। अब इसको मशीनेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज एक मशीन की मशीनेबिलिटी हमने ले लिया, मशीनेबिलिटी इंडेक्स के एक हमने टर्म निकाला मशीनेबिलिटी इंडेक्स, तो हम क्या कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लेंगे कि ये जो मटेरियल है इसकी जो मशीनेबिलिटी इंडेक्स है ये सपोज 100 है, तो इसके हिसाब से बाकियों का कितना आ रहा, तो वो हम फाइंड करते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फ्री कटिंग स्टील, स्टैंडर्ड फ्री कटिंग स्टील, तो मतलब ये स्टील को हम कंसिडर करते हैं कि इट इज़ हैविंग द 100% मशीनेबिलिटी इंडेक्स, उसका द मशीनेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द स्टील इज टेकन एज 100। पहले हम लोग द मशीनेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर मशीनेबिलिटी इंडेक्सेस, मतलब अलग अलग मटेरियल की मशीनेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं हम उनके मशीनेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर। तो मशीनेबिलिटी इंडेक्स ऑफ फ्री कटिंग स्टील सर्व्स एज डेटम, फिर फ्री कटिंग स्टील का जो मशीनेबिलिटी है तो हम उसको 100 पकड़ के चलते हैं कि फ्री कटिंग स्टील का मशीनेबिलिटी 100 है। अगर इसकी 100 है तो बाकी की फिर उसके हिसाब से हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। एंड हाउ डू वी डू दैट, वी डू बाय अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, दैट इज मशीनेबिलिटी इंडेक्स इन परसेंटेज इक्वल्स टू कटिंग स्पीड ऑफ मेटल फॉर 20 मिनट टूल लाइफ
कोई भी एक मेटल लिया, उससे हमने क्या किया 20 मिनट तक कटिंग किया, 20 मिनट। अगर 20 मिनट सपोज अपन ने किसी टूल लाइफ को पकड़ा तो हम कितनी कटिंग स्पीड यूज कर रहे हैं। कटिंग स्पीड ऑफ मेटल फॉर 20 मिनट्स टूल लाइफ, एक नॉर्मल मेटल को हमने 20 मिनट सपोज यूज किया तो हम उसे कितनी कटिंग स्पीड दे रहे हैं अपॉन द कटिंग स्पीड ऑफ फ्री कटिंग स्टील फॉर 20 मिनट्स। तो फिर उतनी कटिंग स्पीड पे जो है ये 20 मिनट टूल लाइफ पे आपको कितनी कटिंग स्पीड मिलती है आपको पता है कि देखो कटिंग स्पीड और टूल दे आर रिलेटेड। अगर कटिंग स्पीड ज्यादा रहेंगी तो टूल लाइफ कम रहेगा। तो 20 मिनट का अगर आप टूल लाइफ बोलते हैं तो आप कितनी कटिंग स्पीड यूज कर सकते हो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। और वैसी सेम अगर आप 20 मिनट का टूल लाइफ बोलते हो तो कितनी पर्टिकुलर स्पीड यूज कर सकते हो आप स्टैंडर्ड फ्री कटिंग स्टील के लिए। तो ये जो डिफरेंस आएगा इससे हमको मिलता है मशीनेबिलिटी इंडेक्स, मतलब कटिंग स्पीड ऑफ मेटल फॉर 20 मिनट टूल लाइफ फॉर एनी मेटल, कि 20 मिनट की टूल लाइफ के लिए उसकी कटिंग स्पीड कितनी होंगी। और ये 20 मिनट अगर हम दूसरे स्टैंडर्ड फ्री स्टील से कट कर देते तो हमको मशीनेबिलिटी या फिर तो कटिंग स्पीड कितना मिलता था। तो इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते मशीनेबिलिटी इंडेक्स। आपको देखो आराम से समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है ये ऊपर वैल्यू, ये हम इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है कि दिस इज वॉट यू हैव टू कैलकुलेट। और फिर ये जो वैल्यू है कटिंग स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड फ्री कटिंग स्टील, ये हम ले रहे हैं एज अ डेटम कि ये 10 मिनट में सपोज इसका कटिंग स्पीड आता है कुछ भी 25, तो इसका कटिंग स्पीड कितना है सपोज 35 है, तो यहाँ से हमको ये वैल्यू मिलती। सो दिस इज हाउ यू गेट द मशीनेबिलिटी इंडेक्स परसेंटेज। यहाँ से हमारे ख्याल में आता कि मशीनेबिलिटी इंडेक्स परसेंटेज मतलब क्या होता। ओके गेटिंग बैक। सो ये हो गया था मशीनेबिलिटी इंडेक्स परसेंट। तो यहां पर हमको कुछ मटेरियल के मशीनेबिलिटी इंडेक्स परसेंट दिए, जैसे स्टेनलेस स्टील का है 25, लो कार्बन स्टील का है 55 to 65, कॉपर का 70, रेड ब्रास का 180, एल्यूमिनियम अलॉय का 300 to 1500, मैग्नीशियम अलॉय का 500 to 2000। तो जिसका मशीनेबिलिटी इंडेक्स परसेंट ज़्यादा रहेगा वो मटेरियल उतना सॉफ्ट है उतना स्मूथ है उसका मशीनेबिलिटी उतने इजीली यहाँ पर हो सकता। मतलब जो मटेरियल का मशीनेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है दैट मटेरियल कैन बी मशीन इजीली। तो ये केस में देख सकते हैं ब्रास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये कैसे सॉफ्टर मटेरियल्स कंपेयर टू स्टील्स, कार्बन स्टील्स एंड कॉपर्स। तो जिसका जितना कम रहेगा मशीनेबिलिटी इंडेक्स तो उतना वो मटेरियल को हमको कट करना मुश्किल जाएगा। सो दिस इज वॉट वी हैव सीन टूडे, वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूल मटेरियल एंड द मशीनेबिलिटी इंडेक्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ठीक है, विल स्टॉप हियर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट द टूल वेयर एंड सो ऑन। ओके देन, चलो थैंक यू क्लास, जय हिंद।